कटिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। पूर्णिया में पैनोरामा स्टार सीजन 2 संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे बिहार और बिहार से बाहर के भी लगभग 200 सिंगर्स ने हिस्सा लिया था। और इस प्रतियोगिता में कटिहार की बेटी श्वेता राय, पिता सतीश कुमार राय, माता रीता राय ने प्रथम स्थान और दूसरी ओर कटिहार के ही बेटे अविनाश कुमार, पिता शिव कुमार मंडल, माता वीणा देवी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, जिनके मुख्य अतिथि बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर सब्बीर कुमार जी थे, जिन्होंने बॉलीवुड में एक से एक हिट गाने दिए हैं। और जज के रूप में एएन ठाकुर, कुमकुम मुखर्जी और मिस इंडिया अपर्णा भारती जी थी। यह दोनों युवा प्रतिभा श्वेता और अविनाश को बॉलीवुड सिंगर सब्बीर कुमार ने सिल्क कार्टिफिकेट और प्रथम को 51,000 रुपए, दूसरे स्थान को 21,000 रुपए देकर सम्मानित किया। कटिहार के इन बेटे बेटियों की इस उपलब्धि से कटिहार वासियों में हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। एल कटिहार से विमल मालाकार, खास रिपोर्ट। तीन दिवसीय संगीत प्रतियोगिता में आप द्वितीय स्थान में आए हैं, कैसा लग रहा है, क्या अनुभव करते हैं और आगे क्या करना चाहेंगे? काफ़ी मुझे अच्छा फील हो रहा है, मेरा द्वितीय स्थान आया है और मैं इसका श्रेय अपने गुरुजी पंडित अभिषेक मिश्रा और अपने फैमिली को देना चाहूँगा। और आगे इसी क्षेत्र में कुछ करने की इच्छा है और मैं इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हूँ। कब से आप संगीत की तालीम ले रहे हैं? मैं बचपन से अपने पापा से सीख रहा हूँ और प्रोफेशनली तौर से मैं पंडित अभिषेक मिश्रा जी से 1 साल से सीख रहा हूँ पटना में। इस प्रतियोगिता के लिए आप कैसे आप वहाँ पहुँचे, कैसे वहाँ पर आपने? एक दोस्त के माध्यम से पता चला और मुझे वहाँ का नंबर मिला और मैंने पार्टिसिपेट किया फिर जाके। 3 दिनों में वहाँ प्रतियोगिता में काफ़ी प्रतिभागी भाग लिए, लगभग 200 से करीब। उस प्रतिभागी में से आप सेकेंड स्थान पर, कैसे रहा आपका वहाँ का सफ़र? वहाँ का सफ़र बहुत ही मुश्किल था क्योंकि बहुत सारे अच्छे सिंगर्स वहाँ मौजूद थे, लेकिन जज को शायद मेरा सुर वगैरह पसंद आया तो आज मैंने ये मुकाम पाया। आगे फिर क्या करना चाहेंगे? इसी क्षेत्र में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, अपने बैक सिंगर बनना चाहता हूँ। मैं बबीता देवी, वार्ड सदस्य, वार्ड संख्या 4, ग्राम पंचायत राज रतनपुर के सभी पंचायत वासियों को दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।